शिवपुरी में सोमवार सुबह करीब 5 बजे छात्र छात्राओं से भरी बस पलट गई। हादसे में ड्राइवर और एक छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस के आगे चल रहे ट्रक का टायर फट गया था। इससे ट्रक लहराया और इसी दौरान पीछे आ रही बस उससे टकरा गई। टक्कर मारते हुई बस 5-6 पलटियां खा गई। बच्चों में चीख पुकार मच। 36 सीटर बस में 40 बच्चे, 10 टीचर और स्टाफ सवार था। करीब 25 छात्र छात्राएं और स्टाफ घायल है। घटना देहात थाना क्षेत्र के बांसखेड़ी गांव के पास 4-लेन हाईवे की है। सभी छात्र छात्राएं नर्मदापुरम के बताए जा रहे हैं, जो 11 जिलों में बनवासी लीला गोंडी रामायणी का कार्यक्रम करने के लिए निकले थे। 3 कार्यक्रम बच्चे कर चुके थे, चौथे कार्यक्रम के लिए ग्वालियर से साजापुर के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। साजापुर जाने से पहले बच्चे नीमच, मंदसौर और ग्वालियर में वनवासी लीला का मंचन कर चुके थे। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ओर से विभिन्न जिलों में आयोजित किया जा रहा है। रत्नेश साहू, ये बस पलटी है, कैसे, क्या कारण था? रात में हम लोग तो सो रहे थे, बता रहे सामने से एक ट्रक जो है उसका टायर फटा और वो बैग के सामने आया, वो टकराया उससे। नहीं, बस का टायर फटा? नहीं, वो सामने वाली ट्रक का टायर फटा। सामने ट्रक का टायर फटा, ये तो अपनी रफ्तार सही जा रहा था, सामने से ट्रक फटा, वो बैग के आया, उससे टकराया। कितना क्या नुकसान हुआ, कितनी क्या चोट आई? लगभग सभी को चोटें आई हैं। हम लोग एक्चुअली मध्य प्रदेश शासन की वनवासी रामलीला कर रहे हैं, तो ग्वालियर से शाजापुर जा रहे थे। बीच में सुबह 5:30 बजे घटना हो गई। ये शिवपुरी के थोड़े आगे कोई गांव है, वहां पर हुआ है। लगभग ही घायल है, सभी को चोट लगी हुई, लगभग घायल है, 2-4-5 लोग होंगे जो ठीक है। इससे ज्यादा किसी को और चोट नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अब देखेंगे, मैं तो अभी पहुँचाऊँगी हॉस्पिटल। किसी की जाना नहीं? ड्राइवर को नुकसान हुआ है उसमें, और एक लड़का है भी उसको हुआ है। सर, जो बस पलटी है, क्या कुछ पूरा हुआ? देखिए, जो 24 लोग अभी भर्ती हैं, इसलिए 2 की डेथ का है, और जो 24 भर्ती हैं उसमें एक थोड़ा क्रिटिकल है, जिसका कि और बाकी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, जो डॉक्टर साहब से बात हुई, और जो सामान्य घायल हैं, बाकियों के भी टेस्ट वगैरह होने के बाद जो भी होगा, जिला प्रशासन की तरफ से पूरी मदद होगी, और जो हॉस्पिटल की तरफ से भी इनको पूरी मदद। कितने लोग घायल हैं सर टोटल अभी? 24 अभी घायल हैं, 4 और बाद में आए, जिनको 40 यात्री। थैंक यू।